नमस्कार, शुभ सकाळ। प्रथम खबर सह मु कमलाकांत। प्रथमे हेडलाइंस। रोचक स्थितिरे राजस्थान राजनीति। मुख्यमंत्री पदकु नेइ दुई गोष्ठीक टणाओटरा। पायलट को विरोध करी अशोक गहलोत गोष्ठीर 92 विधायकों इस्तफा। गहलोत और सचिन को दिल्ली डकरा। आज राष्ट्रपति दुईदिनिया कर्णाटक गस्त प्रथम दिन में मैसूर पैलेस चामुंडी हिल्स रे दशहरा पर्व को करिबे उद्घाटन। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हेबे सामिल। बंगोपसगर सक्रिय घूर्णिबल क्षेत्र प्रभाव में 24 घंटे राज्य विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा संभावना। पानीपाग विभाग पक्ष 19 जिला को येलो वार्निंग। निर्णायक मैच रे भारतर दमदार विजय। तृतीय टी20 ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट हरैला रोहित बाहिनी। सहज विजय देले विराट और सूर्यकुमार यादव। एवं आज शारदीय नवरात्रि देवीपीठ से आरंभ हो स्वतंत्र पूजार्चना। 9 दिन में श्रद्धालु को विभिन्न बेश दर्शन देवे जगज्जननी। जाजपुर गढ़ अधिष्ठात्री देवी मां बीरजा सिंहध्वजरथ। एवं संपूर्ण खबर। रोचक स्थिति रे राजस्थान राजनीति। 92 कांग्रेस विधायकों इस्तफा चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गोष्ठीर विधायक माने इस्तफा देथबा सूचना होछि। गहलोत एवं सचिन को दिल्ली डाकिछंती हाईकमांड। दलर वरिष्ठ नेता को नहीं आज बसिबो उच्चस्तरीय बैठक। रविवार बाचस्पति को भेटी एही 92 जन गहलोत समर्थित विधायक निज पदर इस्तफा देथबा जाना पड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचन को केन्द्र कर राजस्थान राजनीति एवं पुणी थे सरगरम हो उठी। वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस सभापति निर्वाचित हेले किए मुख्यमंत्री हेबो ताकू नहीं टणाउटरा चली। तबे सचिन पायलट पार्टी हाईकमांड को प्रथम पसंद होता बेले अशोक गहलोत गोष्ठी यहाँ नाराज थी जमापड़ी। प्रतिभा स्वरूप गहलोत गोष्ठी 92 जन विधायक रविवार राति बाचस्पति को भेटी निजर इस्तफा पत्र सूचना मिली। अनेपटे 92 जन विधायकों इस्तफा देवापर कांग्रेस हाईकमांड समस्या समाधान लगे उभय सचिन पायलट और अशोक गहलोत को दिल्ली डक। सहित कांग्रेस अंतरण अध्यक्ष सोनिया गांधी दलय श्रृंखला रक्षा करने समस्त तागिद कर। आप बताइए, यदि किसी का नाम आता है मुख्यमंत्री के लिए तो उसको बुरा लगता है क्या? सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये फैसला विधायक करते हैं। और एक बात बताइए, यदि किसी का नाम आ रहा है और आप कह रहे हैं आपका भी नाम, मेरा नाम, मैं राजस्थान का सबसे बड़ा रोड मास्टर हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं आ सकता? कोई गुनाह है मेरा नाम आना? किसी भी विधायक का नाम, 102 विधायक है कांग्रेस के, उनमें से किसी का भी विधायक का नाम आए उन सबका आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? हर व्यक्ति डिजर्व करता है। ये काम सोनिया जी, राहुल जी और अशोक गहलोत जी बैठ कर बात करके तय करेंगे और वो जो तय होगा मंजूर होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये 102 की बात कर रहे हैं तो वो लोग जो सरकार में 5 मंत्री 7 मंत्री बैठे 102 में थे क्या, उनको कैसे स्वीकार किया? तो मुख्यमंत्री जी ने खुद नहीं तो कहा था मैं अभिभावक हूँ, तो मुख्यमंत्री जी अभिभावक कहकर और MLA की राय को महत्व नहीं देंगे क्या? अशोक गहलोत जी को भी महत्व देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ खुल के, अशोक गहलोत जी की भी जिम्मेदारी है कि जब उन्होंने अभिभावक कह दिया तो अभिभावक हम मान रहे हैं ना, तो आप इनसे पूछो तो सही ये क्या चाहते हैं। CLP मीट नहीं होने जा रही है, मान लिया जाए CLP मीट, ये संसदीय कार्य मंत्री ने मीटिंग बुलाई है, हमेशा धारीवाल जी मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग हो गई ना। और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ राहुल गांधी जी आह्वान करेंगे सड़कों पर, हम जान दे देंगे। एक खबर संपर्क में अधिक आलोचना पर आम दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल जोड़ी। गगन पुणि थे कांग्रेस कली पदार पड़ी और लगुच पायलट प्लेन टेक ऑफ पूर्व गहलोत गोष्ठी गेम कर। देखो निश्चित भाव अपन जी एक्सपीरियंस दृष्टि देखिए कमलाकार, निश्चित भाव गहलोत बहुत पुराणा नेता और गांधी परिवार सहित बहुत भल संपर्क रही, गांधी परिवार रो जड़े अनुगामी नेता गणना करा जाए। देखिए अनेक समय ये प्रश्न उठे जे से राजस्थान रो मुख्यमंत्री होता बेले दिल्ली में अधिक समय से बीतौते नहींकि 2 वर्ष पूर्व जिते ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जॉइन करते से चर्चा होता, सचिन पायलट बीजेपी में जॉइन करते हैं 13-18 जन विधायक समर्थन में थे, हुए तो से ही आक्रोशर शिकार बर्तमान सचिन पायलट होती बर्तमान राजनीति विशेषज्ञ मैंने मत दौरान, कहीं जो भी भाव में बर्तमान देखिए 80-90 जन विधायक इस्तफा दौरान सीधा सड़क से गोटे दाबी रोची
जो मैंने दल को भांगिया चेस्टा करते मुख्यमंत्री करान जाऊ एवं बाचस्पति को सीधा सड़क से सामना करी जोशी बाचस्पति मुख्यमंत्री पद अफर कराऊ कि आम पायलट को केवे भी मुख्यमंत्री भाव ग्रहण करूँ ना कि अंपटे पायलट किसी समर्थन रही कि बहुत संख्या कम रही मात्र दस रु तेरह जन कहीं देखिए जो पाखापाखि 200 सीट जो रही राजस्थान विधानसभा 108 सीट कांग्रेस हाथ रही 13 जन रु अधिक स्वाधीन विधायकों समर्थन रही कि बर्तमान यदि एभली एक परिस्थित सृष्टि होती आगामी दिन में गेहलोत यदि यदि आप देखिए जो गेहलोत यदि अशोक गेहलोत यदि कांग्रेस प्रेसिडेंट होती कांग्रेस पूर्व सीडब्ल्यूसी बैठक में जिते तो सोनिया गांधी अंतरण प्रेसिडेंट है से गोटे पास होता नीति जो वन मैन वन पोस्ट तेणु गोटे लोक गोटे पोस्ट में ही रहा कांग्रेस निजे सीडब्ल्यूसी बैठक में ही ये नियम पालन करने से नियमावली पास कर आधार में बर्तमान गेहलोत को क्षेत्र में कोहल कि ना ये निष्पत्ति हुए तो हाईकमांड नहीं पारती जो जो विधायकों कथा आपने से जो केंद्रीय टीम जाइंट वेणुगोपाल और अजय माकन से भेटापी गोटे प्रकार कमलाकांत मना कर तेणु कौना कौटी कांग्रेस सभापति निर्वाचन पूर्व राजस्थान एभली परिस्थिति हाईकमांड टेंशन वृद्धि करी जदि अशोक गेहलोत प्रेसिडेंट होती से निज राज्य को किभली भाव बैलेंस कर समस्त नजर रही जदि पायलट को मुख्यमंत्री करान जाऊँ कमलाकांत कहीं से अलरेडी असंतोष जिते राजस्थान निर्वाचन रेजल्ट आसला आपंकर मन थी 2000 साधारण निर्वाचन पूर्व राजस्थान रेजल्ट आसला ना को ही सबु अधिक चर्चा कराला मुख्यमंत्री हे जदि न करा हुए तो सी अन्य किसी स्टेप नहीं पारती जहाँ कि कांग्रेस महंगा पड़ पाए बहुत बहुत धन्यवाद गगन विश्वाल रही आम नुआ दिल्ली प्रतिनिधि अधिक आलोचना करते राजस्थान में वर्तमान किभली रोचक स्थित राजनीति पहुंची बहुत बहुत धन्यवाद गगन विश्वाल। आज राष्ट्रपति दुईदिनिया कर्णाटक गस्त विभिन्न कार्यक्रम उद्घाटन करेंगे महामहिम दुई दिन राष्ट्रपति मुर्मू सेठार समय काटे भारत मधे कौन राज्य को प्रथम गस्त आज प्रथम राष्ट्रपति मैसूर प्यालेस पहुंची चामुंडी हिल्स होता दशहरा पर्व को उद्घाटन करेंगे सेठे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जोगदे प्रथम थर से दक्षिणी संस्कृति को हबली धारवा ठारे एक संवर्धना उत्सव में जोगदेवे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एक कैंपस को मध्य उद्घाटन करेंगे परे बुधवार अपराह्न रे से दिल्ली फेरबार कार्यक्रम रही बंगोपसागर में सक्रिय रही घूर्णी बलय क्षेत्र प्रभाव में 24 घंटे राज्यर 19 जिलार केतक स्थान में वर्षा एवं घड़घड़ी सहित बर्षार संभावना रही है। एसब जिलागुड़ी बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगत सिंहपुर खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति केन्दुझर मयूरभंज ढेंकानाल रायगढ़ कंधमाल कलाहांडी एवं मलकानगिरी से 27 और 28 तारीख में केतक जिले में वर्षा सहित वज्रपात आशंका रही समस्त जिलागुड़ी केन्दुझर अनुगुल मयूरभंज ढेंकानाल कंधमाल नयगढ़ बौद्ध गंजाम गजपति रायगढ़ कोरापुट मलकानगिरी और खोर्धा आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर ए समस्त जिलागुड़ी येलो वार्निंग जारी कर निर्णायक मैच रे भारतर दमदार विजय 3 मैच विशिष्ट टी20 सीरीज को 2-1 रे जीति टीम इंडिया रविवार हैदराबाद रे खेला जाइथिबा तृतीय तथा अंतिम टी20 रे ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट राइछि रोहित वाहिनी प्रथमे बैटिंग करी ऑस्ट्रेलिया भारत आगरे 187 रन टार्गेट रखिथिला 187 रन टार्गेट को गोटे बॉल बाकी थाई 4 विकेट हराई भारत विजय हासिल करिछि। विराट कोहली एवं सूर्य कुमार यादव को अर्धशतक बल में यह मैच को भारत जितवा सहित 2-1 रे सीरीज हाथी से आज बारवाटी खेल लीजेंड लीग क्रिकेट मैच मुहामुही हे भिलवारा किंग्स और मणिपाल टाइगर्स आज दुई टीम मधे कटक बारवाटी स्टेडियम मैच खेल भिलवार किंग्स रे इरफान पठान युसुफ पठान श्रीसंत और सेन वाटसन परी खेला रही सेपरी मणिपाल टाइगर्स हरभजन सिंह ब्रेटली मोहम्मद केफ और मुथया मुरलीधरों परी खेला रही बारवाटी खेल मैच
उभय टीम रविवार अपराह्नरे भुवनेश्वर पहुंची सारी पर कड़ा सुरक्षा व्यवस्था मध्य बस मेफेयर और होटल ट्राइडेंट को निया आज से भाव समस्त खेला सुरक्षा मध्य बारबाटी स्टेडियम को निया कमिश्नरेट पुलिस पक्ष व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करपटे आज मैच देखा कटक बारबाटी में दर्शकों खचाखच भिड़ लगभग संभावना रही इस संपर्क में अधिक आलोचना आम कटक प्रतिनिधि इमरान खान रही इमरान जो देखा जो पुराणा लिजेंड मैंने रही देखा आज कटक बारबाटी स्टेडियम भिड़ लगी पारे देखो कमलाकांत जपर भाव में आपे जो लिजेंड क्रिकेट लीग रो जो मैच बर्तमान चलती जो लिजेंड अर्थात जो मैंने क्रिकेट रू अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट रू जो मैंने अवसर नहीं सारी टूर्नामेंट भाग नहीं सब चार टीम कर सब टीम भाग भाग समस्ते मैच खेलतेखिर आज बरकटक बारापटी स्टेडियम में मैच रही भिलवारा किंग्स और मणिपाल टाइगर्स अर्थात भिलवारा किंग्स हूँ इरफान पठान मणिपाल टाइगर्स हूँ हरभजन सिंह का उभय टीम मध्य कड़ा टक्कर हम उभय टीम अनेक अवसर में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रही इरफान पठान रही भिलवारा किंग्स इरफान पठान यूसुफ पठान भाई खिलाड़ी रही सेपटे मणिपाल टाइगर्स जो टीम रही हरभजन सिंह से हरभजन सिंह अच्छा मोहम्मद कैप आरंभ करनेक मुथे मुरलीधरन भाई खिलाड़ी समस्त रही अर्थात इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका इंग्लैंड श्रीलंका बांग्लादेश एपरी अनेक देशर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जो मैंने अवसर नहीं सामिल होते कड़ा टक्कर कितु जो क्रेज कथा आपल अर्थात बारापटी स्टेडियम फैंस मैंने जो मैंने दर्शक अच्छे से कमी क्रेज कहीं जीत टी ट्वेंटी मैच अच्छी टी ट्वेंटी फॉर्मेट में मैच खेल जा संध्या साढ़े सतटे आरंभ हम यही मैच किंतु जो क्रेज देखा अंतरराष्ट्रीय मैच देखा मिलता बारापटी स्टेडियम एथर विजेट क्रिकेट लीग धन्यवाद इमरान खान रही कटक ब्यूरो हेड अधिक आलोचना करते आज लीजेंड लीग क्रिकेट मैच को नहीं आज शारदीय नवरात्रि देवीपीठ मानक आरंभ हो स्वतंत्र पूजार्चना आध्यात्मिक विश्वास अनुसार नवरात्रि प्रथम दिन में माँ को पूजार्चना कले बहु आशीर्वाद मिलता है। यह क्रम आज सारा भारतवर्ष प्रसिद्ध देवीपीठ से नवरात्रि आरंभ हो माँ दुर्गा नवरात्रि 9 दिन धरी भक्तों विभिन्न बेश दर्शन देवे। नवरात्रि होची दशहरा महोत्सव आद्य पर्व आश्विनी शुक्लपक्षर प्रतिपद तिथि यह आरंभ हो दशहर शेष होता है। नवरात्रि को नहीं राज्यर विभिन्न देवीपीठ मानक व्यापक व्यवस्था कर सेभे नवरात्रि अवसर आज जाजपुर अधिष्ठात्री देवी माँ बीरजा रथजात्रा आरंभ हो आज सन्धार आरंभ हो माँ बीरजा सिंहध्वज रथजात्रा 9 दिन धरी रथरे गढ़ी मंदिर परिक्रमा करने सहित भक्त एवं श्रद्धा को दर्शन दे आशीष प्रदान करेंगे माँ जगजननी। आज अक्टोबर 5 तारीख पर्यंत माँ का पीठ से स्वतंत्र नीतिकांति चलो यही 9 दिन धरी शक्ति बल्लभ मंत्र में पूजा करा सहित माँ बीरजा को प्रत्येक दिन बैतरणी नदी जल में स्नान कर परंपरा रही अनेपटे माँ का रथजात्रा सामिल होगा सहित सुरखुरी दर्शन पर जाजपुर जिला प्रशासन पक्ष व्यापक प्रस्तुति कर सीधा सख जा जाजपुर आम प्रतिनिधि परमेश्वर बेहरा रही परमेश्वर आज रथयात्रा किभली भाव में प्रस्तुति रही है श्रद्धालुओं मध्य केमती उत्साह देखते निहाती कमलाकांत देखु आज जो शारदीय दुर्गा उत्सव रही से समय देखुए आज ठार् नवरात्रि गोटे प्रकार स्टार्ट से ही आरंभ रु देखुए माँ बीरजा मंदिर प्रांगण में कारण प्रत्येक वर्ष ये नवरात्रि समय माँ बीरजा मुख्यतः पाद दर्शन होता है जोपाई कि श्रद्धा मान भिड़ लगी था ये देखुए आम ये सीधा चित्र देखा आपन को जो थे श्रद्धा मैंने आसी मंदिर में माँ को दर्शन करने कारण ये सौभाग्य मिली थाए जेहेतु दीर्घ 2 वर्ष धरी कोविड कटक मंदिर को पाद दर्शन संपूर्ण भाव में बंद था और रथजात्रा कोविड कटक पालित होता ये दृश्य देखुए ये आम ताजा चित्र आपको देखु जो आसी भक्त मैंने श्रद्धा मैंने आसुँचा माँ को दर्शन करने भक्त मान प्रतिक्रिया रखा कारण प्रशासन पक्ष सब प्रकार व्यवस्था कर सुरखुरी में किपर 9 दिन धरिकी जो माँ का पाद दर्शन सकाल समय होता है आज्ञा आपड़ कौटू आसी जो जाजपुर जेल कलोनी अच्छा देखिए जो माँ का पाद दर्शन ये गोटे निरा कारण प्रत्येक वर्ष यही समय ही नवरात्रि समय दर्शन मिलता है आपत कौन मन भाविक आस
माँ दर्शन लाभ कर कृपा लाभ कर भक्त मान रही प्रथम थर कोविड समय तो आसा प्रथम थर आई नवरात्रि प्रथम आरंभ आज शैलपुत्री माँ प्रथम बेश बहुत तपस्या थे ये माँ को बिरजा क्षेत्र को आसवा मिले आम आसू बरी जो आप मधुसूदनपुर आसू पांचटा बेल आसिक पहुँचलु सब लोक ये जगह को आस राज्य राज्य बाहर देशर विभिन्न कोण रु आसुछन्ति एई जो दिन टी बहुत महात्म्य दिन अछि माँ को जे दर्शन जे लाभ करिवो बहुत माने पुण्य मिलिवो बोलिकि लोक मत विश्वास अछि। कमलाकांत देखुथिबे ये हेउछि जो रहिछि मंदिर प्रांगण रे प्रशासन पक्षर मध्ये ब्यारिकेडर व्यवस्था करा जायछि कारण जेहेतु आज प्रथम दिन हुए तो भिड़ कम रही थाई पारे किंतु भक्त मानक श्रद्धालु मानक मध्ये मनरे मध्ये सेतिकि विश्वास रहिछि किपरि माँ को दर्शन करिवे माँ को पाद दर्शन रो सौभाग्य जो मिलिथाय ई नवरात्रि समय रे दर्शन करिवे ई देखुथिबे ई लंबा लाइन रहिछि जो थरे भक्त माने आसुछन्ति माँ को दर्शन करिवा पई एवं जो कथा रहिछि समस्त हातर मध्ये गोटे देखुथिबे फुलटिए रहिछि कारण माँ को पाद रे कि फुल चढ़ेब एवं जो कथा कह जाए जे नवरात्रि तो माँ को दर्शन कले विशेषत्व जो पुण्य लाभ होता है से कथा रही से ही भक्त मैंने धाई आसुँच आम अन्य भक्त मान प्रतिक्रिया रखा जो मैंने इठिक आसी सीधा सख देखा देखिए मौसी आसी आपड़ आज माँ को दर्शन करने पाद दर्शन पूर्व थर देखुए कोविड कटक बंद थी आसी पार नए केमती लगुच एथरक बहुत खुशी लगुच माँ को पाद दर्शन करद छुईबु बहुत खुशी आनंद लगुच कोविड बंद हो जाता बहुत खुशी लगुच घंटे लाइन आसिक ठिया मु फर्स्ट टाइम आखिर घर सत मु दर्शन करथर फर्स्ट आ श्रद्धालु मैंने कौन कह मंदिर को दर्शन हाँ बहुत खुश लगुच बहुत दूर आ छा बल ठिया कमलाकांत देखुले माँ बिरजा पीठ जो रही पीठ से माँ को जो पाद दर्शन समय माँ को पाद दर्शन करेंगे एवं ये नवरात्रि समय मुख्यतः माँ को पाद दर्शन सौभाग्य लाभ होता है प्रत्येक वर्ष कारण अन्य समय माँ को पाद दर्शन करा जाए नथाय किंतु यही जो नौ दिन रही माँ बिरजा जो नौ दिन धरिकी रथ में परिक्रमा करती मंदिर बेढ़ा परिक्रमा करती सहित यही नौ दिन ही रथ चले यही नौ दिन ही रथजात्रा हुए देखुथे पूरा आवल वृद्ध बनता जो मैंने युवक मैंने प्रतिक्रिया रखा आज्ञा देखिए माँ का दर्शन करने आज आसी कौन कह प्रथम थर जय माँ बिरजा लास्ट टाइम 2019 माँ को पाद दर्शन होता कोविड सकाशे दुई वर्ष है बंद था यही वर्ष माँ का पाद दर्शन करने बहुत आग्रह अच्छु रात 4 आसिक लाइन में ठिया हो जाओ माँ को एवं द्वार खोला जा पाद दर्शन माँ को हम जय माँ बिरजा कमलाकांत ये देखुथे माँ बिरजा पीठ से जो नवरात्रि चली नवरात्रि समय ही माँ को पाद दर्शन सौभाग्य मिलता है यही नौ दिन धरिकी माँ को पीठ से रथजात्रा अनुषित होता है कमलाकांत निहाति बहुत बहुत धन्यवाद बिरजा माँ को जो मंदिर रही से आम देखुले सीधा सख दृश्य परमेश्वर बेहरी आप समस्त अपडेट बहुत बहुत धन्यवाद। दिने परिवार पोषिबापाई तांकु गुजरात जिबापाई होइथिला सेठारे एक घरे स्कूल शिक्षकता करी जीविका निर्वाह करथिले कलाहांडी कलामपुर ब्लॉक बंकापाला गाँव परमेश्वर कुमार 7 वर्ष काम करिबा परे गाँव को फेरिथिले करोना समय कृषि जीविकापाई इच्छा करी आरंभ करथिले छतु चाष एवं निजे एथिरु स्वावलंबी हेबा सहित अन्य 4 जनक मध्ये से नियुक्ति देछन्ति। छतु चाषर मासक 30,000 रोजगार करुछंती कलंगपुर बंकापला गाँव परमेश्वर कुमार 2 वर्ष तले एतिक टंका रोजगार करिबाकु तांको घरठारु 1600 किलोमीटर दूर गुजरात जिबाकु पडुथिला। गुजरातर एक घरे स्कूल 7 वर्ष काम करिवा परे परमेश्वर फेरिथिले गाँकु ओ जणे उद्यान विभाग कर्मचारी प्रवर्तन रे लाभ मिलिबो शुणि 2017 रे आरंभ करिथिले छतु चाष। कोरोना समय रे से छतु चाष को बढ़ाईले केन्द्र सरकार उद्यान मिशन सहायता मिलिबारु छतु उत्पादन गृह निर्माण सहित छतु चाष को करथिले फोकस एथिरे तांको मिलिला बेस भल 2 पैसा छतु चाष जरिया रे निजे स्वावलंबी हेबा सहित अन्य 4 जन श्रमिक को नियोजित करिछंती परमेश्वर।
ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ନିଜର ଆୟ ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ବଙ୍କାପଲାର ଏହି ଛତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ଆଖପାଖରେ ମିଳୁଥିବା ଛତୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ। ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ସରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଗୁଜୁରାଟ ଗଲି ସାର୍। ଗୁଜୁରାଟରେ 7-8 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କଲି। ତାପରେ କେତେ ହେଲେ ବାହାରେ ରହିବି, ଆସିକରି ଜୁନାଗଡ଼ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲରେ ସେ ବି ଟିଚରସିପ୍ ହିସାବରେ କଲି। ଟିଚରସିପ୍ ସାର୍ କରି 2017 ସାର୍ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାକି ନେଲେ। ତାଙ୍କର ଥ୍ରୋରୁ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଛତୁ ଚାଷର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି। ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଛତୁ ଚାଷରେ ବେଶ୍ ଲାଭ ଅଛେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଲି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଛତିଟେ ଟିକେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ସକ୍ସେସ୍ ହେବାରୁ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା 2019-20 ତାପରେ ମୁଇଁ ଛତି ଚାଷରେ ଆର୍ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କଲି। ଫୋକସ୍ କରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ମୋର ମାନେ 100,000 ହାରାହାରି 100,000 ଖଣ୍ଡେ ମୁଇଁ ଛତି ବିକ୍ସି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭିତରୁ ମୋତେ 30-35,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଛି। ମାନେ ମୋର ପରିବାର ଚଲବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ 4 ଲେବର ରଖିଛେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ବି ବେଶରେ ଚଲୁଛନ୍। ଆଉ ଆର୍ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ କେଣ୍ଟାକି ଆଜ୍ଞା, କି ମୁଇଁ ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ସମାଜକେ ଗୋଟେ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମାନେ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟଟା ହାଇଜେନିକ୍ ଫୁଡ଼୍ଟା ମୁଇଁ ସମାଜକେ ଦେଇପାରୁଛେ। ଆଉ ଆମ କଲମପୁର ବଙ୍କାପଲା ଏଇଟା ଛତୁ କିଣି ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଛତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛ କିଣି ହେଉଛୁ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଜଣକେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଲ୍ବା ଆଉ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆର୍ ଏରିଆନେ ଯେତ୍କି ବି ଛତୁ ହେଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ତାଠାରୁ ଇଟା ଆମର ବଙ୍କାପଲା ଯେନ୍ ଭାଇ କରୁଛନ୍ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟି ଅଛେ, ଆର୍ ସମସ୍ତଙ୍କରୁ କମ୍ ଦାମରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଜଣକ ଦେଉଛନ୍। ଭୂମିଠାରୁ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଭାଡ଼ି। ଭାଡ଼ି ଉପରେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନଡ଼ା ରଖି ତିଆରି ହେଉଛି ଶଯ୍ୟା। ଶଯ୍ୟା ତିଆରି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ବିଛାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ପାଣିକୁଣ୍ଡରେ ଭିଜାଇବା ସହିତ କରାଯାଇଛି ବିଶୋଧନ। କୁଣ୍ଡରୁ ଛାଣି ସେଥିରୁ ଜଳ ନିଗିଡ଼ିଯିବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ରଖି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି ବିହନ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ତାପରେ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଉଛି ପଲିଥିନ୍। କିଛିଦିନ ପରେ ଶଯ୍ୟାଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା ଛତୁ। ଛତୁର ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ସବୁ ଛତୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ 2 ହେଲା ଆମକୁ କାମ ମିଳୁଛି ଓ ଆମେ ପାଖ ଗାଁରେ ଜୀବିକା ପାଇଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଠାକାରେ କାମ କରୁଥିବା 2 ଶ୍ରମିକ। ଆମେ 4 ଲୋକ ସବୁ ବେଲ ଲାଗିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଦିନେ ଛନେ ଯାହାର କାମ ଧାମ ଥିବା ବୋଲି ସେ ନେଇ ନେଇଲେ 4 ଡେଲି ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ପରିବାର ଭଲ ଚଲୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବି ଭଲ ଚଲୁଛୁ। ନେଇହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଶ ବାହାର ଆଜିକାଲି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ କି ଆଜ୍ଞା, ଏନ୍ତା କରି ଯେ କରି ଚଲୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ସତୀ ଫରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 2 ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ନା ତ ଏତେ କାମ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ବି ପ୍ରାଇମେଟ୍ ଆମକେ ଭଲ କରି ଦେଉଛନ୍ ଆରି, ଆମର ପରିବାର ବି ଭଲ କରି ଚଲୁଛୁ ଆରି। ପେଟ ପାଇଁ ପ୍ରବାସ ଯାଉଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଗାଁ ପାଖରେ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାମ ଓ ପୌଷ୍ଟିକ ଆହାର। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରଥମ ଖବରରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।